नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं वायरल वीडियो बॉय। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने मुझे फेसबुक पर इंडियन अफिलिएट मार्केटिंग पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कीजिए, जिसपे आपको दिन ब दिन लेटेस्ट जो अफिलिएट प्रोडक्ट्स है उनको जानकारी मिलेगी, प्लस जो भी नई कंपनी के स्मार्टफोन, जो स्पीकर, जो भी अदर वेराइटीज़ के लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिससे आप वहाँ से बाय कर सकते हो। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेक करो। तो आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 5 जो फोटोशॉप की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही थी, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कलर बैलेंस के बारे में, जिसके अंदर हम एक फोटो को लेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज है या जो ब्लैक कलर की फोटो है उसको किस तरीके से हम लाइटिंग दे सकते हैं, उसके अंदर ल्यूमिनिसिटी, उसकी जो ल्यूमिनिसिटी होती है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, प्लस एक फोटो के अंदर किस तरीके से हम उस जो ब्लैक फोटोज है उसके अंदर थोड़ा सा वाइटनिंग दे के उसके फेस को किस तरीके से वाइट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के जो है उसके अंदर हम बात करेंगे। हमारे चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ, तो एपिसोड देखते रहिए कंप्लीट, और ये शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा और डिस्क्राइब पूरा एपिसोड होगा फोटोशॉप से रिलेटेड। सो वी गो ऑन द डेस्कटॉप। तो अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप से। तो फोटोशॉप में बेसिकली क्या है ना कि हम एक पिक्चर लेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कलर बैलेंस का, और कलर बैलेंसिंग का आप सीधा सा समझ सकते हो कि कलर बैलेंसिंग से क्या है कि कोई भी, जैसे आप कलर बैलेंसिंग का आप जो प्रैक्टिकली करना चाहते हो, जो हम प्रैक्टिकली करेंगे इसके अंदर, वो आप बेसिकली अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके अंदर भी कुछ ऐप्स अवेलेबल है जो भी आपको आपकी जो फ़ोटो के अंदर कलरों को चेंज करना है, उनका सैचुरेशन इंक्रीज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करना है, या कोई जो भी आप से रिलेटेड है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि वो सेम प्रोसीजर जो आप स्मार्टफोन में कर सकते हो उसको हम फोटोशॉप के अंदर करके देखेंगे। बेसिकली क्या है कि एंड्रॉयड के अंदर आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि एंड्रॉयड में क्या है, आप सिंपली अपने फिंगर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी पिक्चर्स का, मतलब जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर सकते हो, सैचुरेशन। और यदि आपको फोटोशॉप में वो सेम चीज़ प्रोसीजर चाहिए और उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का चाहिए, जिससे मतलब उसके अंदर एक लैसो टूल नहीं होता, जो भी टूल अवेलेबल होते हैं ये वैसे एडवांस जो फोटो एडिटिंग होती है उसके लिए बेसिकली काम आता है फोटोशॉप। तो हम अभी फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो क्या है ना, बेसिकली मेरे पास एक कि ये फोटो है और इसको हम आज फोटोशॉप से एकदम इसकी जो मतलब कलरिंग जो भी है वो अच्छी देंगे, और इसका एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा होगा। बेसिकली इसका आउटपुट है ना इस तरीके का होगा। इसके अंदर आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर जैसे बैकग्राउंड में कलर सेट करना, इसकी जो फेस का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लाइटिंग देना, और फेस के अंदर जो भी है इसके अंदर वो जो मार्क्स थे उसको मतलब हटाना, ये सारा काम आज फोटोशॉप के अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर कुछ जैसे इस साइड में आप ये लेयर देख सकते हो, इस लेयर का पूरा ये वर्किंग है, प्रोसेसर है, तो वर्किंग प्रोसेसिंग के अंदर बाद में हम इसको पूरा डिटेल से करेंगे, तो हम या तो हम इसको स्पीड अप करके भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप धीरे धीरे यदि आप इसको देखोगे तो आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो लगातार इस वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे आपको ये कम्प्लीट वीडियो समझ में आए। सो वी गो ऑन अवर जो भी हमें करना है, इसका पहले हमें बैकग्राउंड इरेज करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड इरेज करने के बाद हमें जो ये जो अब इसको जूम करके मैं दिखा सकता हूँ, इसके अंदर क्या है, इस फेस को ध्यान से देखो, इसके जो कैमरे से जो फोटो लेते हैं तो फोटो के अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर जो हेयर होते हैं इसके अंदर थोड़ी वाइटिंग आ जाती है, ये कंप्लीट ब्लैकिंग किस तरीके से होते हैं, बर्न टूल का काम है, जो ये जैसे बर्न टूल हमारा इस साइड है, और इस बर्न टूल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये बर्न टूल वैसे शॉर्टकट की है इसकी ओ,
तो क्या है ना, हम बर्न टूल का इस्तेमाल करके हम इसके जो इसका जो साइज़ है बर्न टूल का वो भी इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको बर्न टूल का साइज़ इंक्रीज़ किया और जैसे मैं इसके लेयर पे लेके जा रहा हूँ, तो इस लेयर का क्या हो रहा है कि ये जो ब्लैकनेस है वो ज़्यादा आ रही है। बेसिकली जो बर्न टूल क्या करता है कि अपने सेम कलर के मैच को ब्लैक करके दिखाता है, मतलब जो भी कलरिंग को चाहिए वो ब्लैक करके हो जाएगा। तो इसका आप यदि बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको मतलब कोई ऊपर आई बटन में एक वीडियो देख लेना, जो मतलब हेयर रिमूविंग किस तरीके से हम बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके अंदर हम यदि इसको बैकग्राउंड को इरेज करने के पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा, तो ये मेरी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट होगी। तो मैं इस जो ओरिजिनल है उसको मैंने हाइड किया और इस डुप्लीकेट लेयर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट में जाऊँगा, कलर रेंज में जाऊँगा और यहाँ पे आपको जिस जिस कलर को मतलब रखना है वो चीज़ क्या होगा कि आप रख सकते हो, जैसे इस चीज़ को रखना है और ये जो है आप जैसे ही ओके करोगे तो इसके बेसिकली क्या है, आप नीचे एक मास्क का ऑप्शन देख रहे होंगे, इस मास्क को जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको वही एरिया दिखेगा जो हमें चाहिए नीड। तो आप अलर्ट के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बेसिकली ये चीज़ नज़र आ जाएगी। और उसके बाद इस चीज़ को ब्रश टूल के इस्तेमाल से आप इसका ब्रश टूल का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर लो और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि हाँ साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद इसके अंदर यदि ये जो वाइट कलर है वो एरिया तो बचा रहेगा और जो मतलब ब्लैक होगा वो एरिया मतलब गायब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बेसिकली इस पूरे एरिया के अंदर ये जो फ़ोटो है वो हमारी बची रहेगी और बाकी का जो एरिया है वो रिमूव हो जाएगा, जिससे हमें इसकी जो कलरिंग देने में और इसकी जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कलर बैलेंस के अंदर वो हम देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसका जो है वो कलर अभी जैसे इसकी किया, यहाँ पे एक्स दबा के मैं इसका ब्लैक कलर ले आऊँगा और यहाँ पे साइडों में जैसे ब्लैक कलर आएगा और हाँ लगभग हमारी ये क्लियर है। और बाकी की जो इमेज है वो यदि हमारा कुछ मिसमैच भी रह गया तो हम क्या करेंगे, इससे इस चीज़ को सिलेक्ट करके और ले आएंगे और उसके बाद हमारा जो फ़ोटो को जो मतलब एक्चुअली जो चीज़ चाहिए वो हमें बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी। और उसको यदि हमें कुछ एक्स्ट्रा में अच्छी तरीके से फटाफट काम करना है तो मैं इसका फटाफट इसका जो बैकग्राउंड है वो कर लेता हूँ रिमूव। तो यहाँ तक हमने इसका जो बैकग्राउंड था वो इरेज कर चुके हैं हम, और उसके बाद ये जो पिक्चर है इसके ऊपर हम कलर बैलेंसिंग के जो हमारा टॉपिक है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे इस इमेज के अंदर जैसे मैं इसको इमेज को जस्ट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक इमेज का एक टैब मेन्यू भी दिखेगा, इसके ऊपर यदि आप क्लिक करोगे तो इसमें बेसिकली वो सब ऑप्शन आपको नज़र आएंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाओगे तो एडजस्टमेंट के अंदर आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, लेवल्स का ऑप्शन मिलेगा, कर्व का, एक्सप्लोजर और वाइब्रेंस, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस और वाइट एंड ब्लैक, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर और कलर लुक मोकअप। तो इसके अंदर आप जो भी ऑप्शन यूज लोगे तो इस डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका फोटोज में पड़ेगा। और इसी से एक रिलेटेड एक ऑप्शन आपको एडजस्टमेंट में साइड में मिलेगा, तो इन ऑप्शंस का यदि आप इस्तेमाल करोगे, जैसे मैं कर्व का इस्तेमाल करता हूँ तो कर्व के अंदर जैसे मैं इसके कर्व की थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो ये कलर जो है ये जो एडजस्टमेंट का ये पूरी लेयर पे जो भी आप कितनी भी लेयर आप इस्तेमाल कर लो, चाहे आप इसका बैकग्राउंड साथ में इस्तेमाल करो, चाहे पिक्चर कोई और पिक्चर इंसर्ट करानी है वहाँ पे, तो ये पूरी एडजस्टमेंट का जो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट इसके ऊपर वर्किंग करेगा। और यदि आपकी एक ही पिक्चर है जिस पे आप वर्क करवाना चाहते हो तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। सो और यदि आपको यहाँ से इमेज के अंदर से जाओगे तो इमेज को जैसे सिलेक्ट किया, इमेज पे ये केवल इमेज पे ही इम्पैक्ट डालेगा और किसी ऑप्शन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इसकी ब्राइटनेस यदि मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो इसकी इंक्रीज कर सकता हूँ, इसका कॉन्ट्रास्ट लूज करके देख सकते हो, इंक्रीज करके देख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप इस चीज को
और मैं इस चीज़ को एकदम परफेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया या तो आप ऑटो कर दो, जिससे क्या होगा कि ये जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगी कि इसको इस फोटोज़ को कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी नहीं। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, जैसे आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, डॉट की टूल को। इसके अंदर क्या होगा कि आप इसका साइज इंक्रीज करो और एक साथ ही इसके ऊपर यदि आप इम्प्लीमेंट करके दोगे तो इसकी जो फेस रीडिंग है वो थोड़ी सी वाइटनिंग पे हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे इस फोटो में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। और बेसिकली क्या है ना, इस कलर बैलेंस का कम्प्लीटली जो टॉपिक है वो आपको खुद भी प्रैक्टिकली अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। और यहाँ जैसे एक्सप्लोजर है, एक्सप्लोजर मेनली वर्किंग करता है, जैसे एक्सप्लोजर इसकी थोड़ी सी बढ़ाई, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर आपको ये एक्सप्लोजर बहुत मदद करेगा। जैसे इसके अंदर मैंने किया और उसके बाद गामा करेक्शन किया। ये गामा करेक्शन आपको जिस तरीके से आपको फोटोज चाहिए उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद इस कंप्लीट को मैं अच्छी तरीके से आपको वेल डिफाइन करके मैं बता सकता हूँ इसका। बेसिकली ये जो फोटो है इसके अंदर हमने कम्प्लीटली इसके जो मार्क्स थे वो भी मैंने इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है या स्पॉट हीलिंग टूल का, स्पॉट ट्रस्ट टूल, पैच टूल और एक कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये बहुत ही काम का, ये जो है कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये क्या करेगा उस पार्ट को सेलेक्ट करेगा और उस पार्ट को यदि आप सेलेक्ट करके उसी टूल से यदि मूव करवाओगे कहीं और, तो उस पार्ट का जो भी एरिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे वो सारा खुद में खुद ही इंटरप्ट होके कलर कलर में मैच हो जाएगा। और ना कि उसके अंदर से वो मतलब उसके आप इसके पीछे बैकग्राउंड भी जैसे नहीं होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे इसके अंदर क्या है ना, इस एरिया को मैं थोड़ा सा सेलेक्ट किया, ये एरिया पैच वर्किंग हो गया। और इस एरिया को मैं यदि यहाँ ले जाता हूँ तो इसके अंदर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और यही बेसिकली इसका काम है। और उसके बाद इस पिक्चर पे हमें बैकग्राउंड भी इंटरप्ट करना है। जैसे बैकग्राउंड इंटरप्ट करने के लिए हम इसके अंदर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद रेक्टेंगल का जो भी कलरिंग है वो आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे यदि आपको देना है ये, और आप इसके पीछे ला सकते हो। और इस कलर इस फोटोज पे या फिर यदि आप डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा जैसे ड्रॉप शेडो का, ड्रॉप शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रॉप शेडो में क्या होगा कि इसकी जो मतलब इस पिक्चर के अंदर आप जो ड्रॉप शेडो देना चाहते हो जिस एरिया के अंदर, जैसे इस एंगल भी सेट कर सकते हो कि कौन से एरिया में कौन सी ड्रॉप शेडो होनी चाहिए, वो कितनी स्प्रेड होनी चाहिए कितनी नहीं। आप इसकी जो ओवरलैपिंग भी कर सकते हो, आउटर ग्लो भी कर सकते हो। आउटर यदि आप, कई बार आपने देखा होगा कि यूट्यूब के जो थंबनेल होते हैं उसके अंदर आउटर जो भी होती है वाइटनिंग, वो इस टूल की मदद से होती है, वो फोटोशॉप बेसिकली इसी काम का है। और यदि आप ये सारे ऑप्शन आपको शायद तक मुश्किल है एंड्रॉयड में मिलने, बट बेसिकली आप ठीक ठाक एडिटिंग तो कर ही लोगे उसके अंदर। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताओ कि ये इस वीडियो के अलावा आपको फोटोशॉप से रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो चाहिए या कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हो जो टेक्निकल हो और इसी प्रकार की एडिटिंग। तो ये जो हमारी जो 5th एपिसोड है वो यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।